नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं दीपक डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर से 370 हटने और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर बात कर सकते हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वो किस मुद्दे पर करेंगे। पीएम मोदी कश्मीरियों को भरोसा भी दे सकते हैं कि भारत सरकार के साथ देश की जनता उनके साथ खड़ी है। साथ ही में वो कश्मीर के लोगों से अपील कर सकते हैं कि वो आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाने में सरकार की मदद करें। राष्ट्र के नाम पीएम का ये संबोधन 15 अगस्त से ठीक 1 हफ्ते पहले हो रहा है। आपको बता दें कि संसद ने अनुच्छेद 370 को हटा लिया है, इसका फैसला हो चुका है। 35 से हट गया है, राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा वाला और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बिना विधानसभा के होगा। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार अनिल आनंद जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो आपके मन में है वो हमारे मन में भी है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे आज। आपके अनुमान क्या है, फिलहाल क्या कह सकते हैं आप कि किन बातों को वो रख सकते हैं देश के सामने? दीपक जी, जैसे आपने कहा, सही अनुमान एक तो ये होगा कि 370 या जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर ही बात करेंगे। और मेरा मानना है कि बात करनी भी चाहिए, देश ही नहीं परंतु समस्त विश्व प्रधानमंत्री की बात सुनना चाहेगा इसके ऊपर, क्योंकि कुछ छोटा निर्णय नहीं है, बहुत गटसी निर्णय है, बहुत दमदार निर्णय उन्होंने लिया। लेकिन निर्णय तो हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके ऑफशूट्स क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इन सबको लेके पूरा विश्व, खासकर भारत की जनता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और खासकर कश्मीर का आवाम सुनना चाहेंगे, जम्मू के लोग सुनना चाहेंगे, लद्दाख के लोग सुनना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस पर क्या कहना चाहते हैं, उनके इसके आगे कुछ और क्या कहेंगे, कुछ एश्योरेंसेज होंगी, कुछ नई चीज़ें होंगी। ये सब बातें जो हैं मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उनको बोलना चाहिए 370 पे। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं अनिल जी जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मिलित करने चाहिए, जहां तक कश्मीरी जनता को भरोसे में लेने की बात है? हमने देखा कुछ तस्वीरें, अजीत डोवाल एनएसए वहां पर गए थे, आम कश्मीरियों से वो बात कर रहे थे। हालांकि वो जो बहुत कम वहां पर कश्मीरी थे, जो बिगर पर्स्पेक्टिव पर अगर हम बात करें तो लोगों को एक साथ लेने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन कौन से बिंदु होंगे जिन पर प्रधानमंत्री फोकस कर सकते हैं? देखिए, मुख्यतः एक तो वो होगा कि 370 क्यों लाया गया, हो सकता है उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसकी दें। एक तो है कि मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, या डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो 2-3 बिंदु जो है मुझे लगता है उस पर भी वो और डिटेलिंग करेंगे। मेरा मानना है उससे ज़्यादा ये होना चाहिए कि उनको रीअश्योरेंस एक कश्मीर के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए और जम्मू के लोगों के लिए भी, क्योंकि लद्दाख में भी कारगिल में आज कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं और हर जगह कुछ ना कुछ खदशा है, सस्पिशंस है। जम्मू में सस्पिशन अपनी तरह का है कि हमारी असेंबली थी तो हमें यूनियन टेरिटरी मिल गई। तो मुझे लगता है आज रीअश्योरेंस के नाम पे प्रधानमंत्री जी को कुछ पुख्ता कहना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री जब संबोधित करेगा, ये पहली मर्तबा होगा जब इस पूरे मसले पर देश का प्रधानमंत्री संबोधित करेगा, अगर हम सही हैं तो। अगर प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो भाषण के एजेंडे में यही बातें हैं कश्मीर की, हम उस लिहाज से बात कर रहे हैं, अगर वो देश को संबोधित करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कश्मीरी लोगों के लिए भी ये समझना कि दरअसल धारा 370 को हटाने के पीछे मकसद क्या है, खुद सामने आना। आपको लगता है कि वो भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं आखिर? देखिए, मकसद और मंशा सरकार की तो लोग जान चुके हैं, कश्मीर के लोग भी जान चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हाँ, उस पर कुछ और रोशनी डालें, एश्योरेंसेस और होनी चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टेटसेस क्या रहेंगे, लद्दाख अगर यूनियन टेरिटरी बना है तो कारगिल वालों को कंसर्न है, उनका कंसर्न भी ध्यान में रखा जाएगा। जम्मू में अगर ये है कि पॉलिटिकल पावर को थोड़ी हमारी छिन गई, असेंबली स्टेट असेंबली होने से अब यूटी असेंबली हो गई, तो ये चीज़ें जो है मैटर ऑफ कंसर्न्स हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आज भी राष्ट्र के नाम संदेश अगर दें और 370 या जम्मू कश्मीर की घटनाओं में, खासकर जब पाकिस्तान ने आनन फानन में कुछ फिर कोताहियां करना शुरू कर दी, कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए, वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी अंदरूनी राजनीति को भी देखना है, जनता को भी वहां कंट्रोल में रखना है, लेकिन उस संदर्भ को भी देख के, एक इंटरनेशनल संदर्भ जो जुड़ गया है पाकिस्तान के कुछ जल्दबाजी में स्टेप लेने से, उसको भी देखते हुए बहुत जरूरी हो गया कि प्रधानमंत्री जी कुछ कहें, ताकि पैनिक ना फैले, एक भय का वातावरण ना बने जो पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रधानमंत्री के मुख से अगर चीजें आएंगी तो कुछ रीअश्योरिंग होगा लोगों के लिए।
और इसके एक कदम उस पार अगर हम चले, सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जो पाकिस्तान ने जो एक एजेंडा वापस अपने शिगुफा छोड़ा है कि साहब हम इसको यूएन में लेकर जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस मसले को उठाएंगे, आपको लगता है कि आज का भाषण इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक संदेश देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि देश की प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस मसले पर, ताकि हमारा जो व्यू पॉइंट है वो और स्ट्रांग हो? देखिए, प्रधानमंत्री कैसे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, मैं ये इसका कहना तो बहुत मुश्किल हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन कहना जरूर चाहिए, कहना क्योंकि चाहिए। आज की डेट में इस इशू पे, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इशू पे अंतर्राष्ट्रीय सतर पर उनको सुना जाएगा, निगाहें रहेंगी उनके एड्रेस के ऊपर, इसलिए इस मौके का फायदा जरूर उनको उठाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय सतर पर भी जहां जहां पाकिस्तान जो गिदड़ भपकियां दे रहा है यूएन जाने की या यूरोपियन यूनियन में जाने की या कहीं और जाने की, तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका होगा प्रधानमंत्री जी को भी के लिए भी कि अंतर्राष्ट्रीय जो एक गैलरी है उनको भी एड्रेस करें, उनको भी क्लैरिफाई हो जाए कि हमने क्या किया और यह हमारा विदिन हमारा अंदरूनी मामला था और इसके क्या आयाम है क्या नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो पूरी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सतह पर उनको ध्यान से सुना जाएगा, नोट भी किया जाएगा। अच्छा, जो ये प्रधान जो पाकिस्तान जो है ये बार बार इस तरह के शिगुफे छेड़ता है, बार बार कश्मीर का एक रोजी रोटी थी कश्मीर उसकी जो छिन गई है उसके हाथ से, जाहिर सी बात है वो बौखलाहट में बहुत कुछ स्टेप तो उठाएगा, कारोबारी रिश्ते खत्म करने की बात कही है और भी कई ऐलान करने की बात की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी एंटरटेन करेगी पाकिस्तान को बदले हालात में, नए इंडिया को, नए भारत को देखते हुए? देखिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमारा पिछले 4-5 साल में काफ़ी काम हुआ है, एग्रेसिवली हुआ है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी हमने अडॉप्ट की है, बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर सॉवरेन कंट्री, चाहे यूएस होगा, अमेरिका होगा, इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा, वो भी सॉवरेन कंट्रीज है, अपने अपने इंटरेस्ट को आगे रख के ही वो सारे काम करते हैं, तो इसलिए डिप्लोमेसी को भी आगे टाइम टाइम पे और आगे बढ़ाना, नए आयाम देना, नए आर्ग्यूमेंट्स देना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा भारत के लिए भी, अब क्योंकि पाकिस्तान प्रोएक्टिव होगा, अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल चुनाव भी होने वाले हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप अपना आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस अपनी तरह से करने के बड़े हामी रहते हैं और कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, तो इन सबको देखते हुए एक अनप्रडिक्टेबिलिटी सी भी इंटरनेशनल सीन पर रहती है, जब यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप जैसे हों, तो उस अनप्रडिक्टेबिलिटी को भी अपने ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है भारत को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है उनको और फर्म करना चाहिए, और कुछ अगर इंगित करें प्रधानमंत्री, सब कुछ तो नहीं है उनकी स्पीच में, पॉलिसी मैटर स्ट्रेटजी तो नहीं होती है, ना कहा जा सकता है ना कहना चाहिए, लेकिन कुछ अगर इंडिकेट करें, कुछ करें, तो मुझे लगता है एक मैसेज जरूर जाता है। जी, और एक मैसेज कश्मीर की आवाम को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि अभी ये कयास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जानी जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए, और इस तरह से जब उनका संबोधन होता है तो कुछ ना कुछ उसमें खास बात निकलकर सामने आती है। हम उम्मीद करते हैं जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी दिशा में प्रधानमंत्री का यदि संबोधन ये रहा तो उनके संबोधन से कश्मीर की जनता आश्वस्त हो कि उसके बेहतर भविष्य के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए ही यह फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी वक्त निकालने के लिए।